मड़ुआडी थाना क्षेत्र में बनारस स्टेशन के पहले गेट के पास शुक्रवार की शाम नगर निगम की कूड़ा गाड़ी से कुचलकर 65 वर्षीय वृद्ध की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक कूड़ा गाड़ी छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में ले लिया। मृतक 65 वर्षीय बंगालाल पांडे भेलूपुर थाना क्षेत्र के श्री रामनगर कॉलोनी के निवासी थे। बंगालाल पांडे अकेले बनारस स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास से जा रहे थे, तभी नगर निगम की कूड़ा गाड़ी की वो चपेट में आ गए। दुर्घटना देख आसपास के लोगों ने शोर मचाया तो चालक ने गाड़ी रोक दी। इसके बाद लोगों ने चालक को वाहन से उतारकर पीटना शुरू कर दिया। मौका पाकर चालन वाहन को भी वहीं छोड़कर भाग निकला। सूचना पर पहुंची पुलिस और आनन फानन में घायल को लेकर बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले गई, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। टेरर फंडिंग के मामले में जैतपुरा और आदमपुरा थाना क्षेत्र से 2 संदिग्धों और शुक्रवार को लोता से 1 की गिरफ्तारी के बाद पुलिस प्रशासन चौकसी बरत रही है। पीएफआई पर प्रतिबंध और शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन विशेष सतर्कता बरत रही थी। खुद पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश फोर्स के साथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी क्षेत्र में चक्रमण कर व्यवस्था का जायजा लेते रहे। देश के लिए अक्टूबर माह का पहला दिन काफी खास होने वाला है। शनिवार को नई दिल्ली के प्रगति मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को 5G तकनीक की सौगात देंगे। फिलहाल देश के 14 शहरों में 5G तकनीक को लॉन्च किया जा रहा है, जिसमें वाराणसी भी शामिल है। इसी उपलक्ष्य में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुँच रहे हैं। सीएम यहाँ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में शामिल होंगे। कार्यक्रम में रेलवे, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहेंगे। विश्व प्रसिद्ध रामनगर की रामलीला के 22वें दिन शुक्रवार को युद्ध भूमि में धर्म की श्रेष्ठता के लिए महायुद्ध शुरू हो गया। महाअभिमानी रावण ने युद्ध टालने की किसी की सलाह नहीं मानी। इधर राम की सेना ने लंका को चारों ओर से घेर लिया। लंका में मौत का तांडव शुरू हो गया। राक्षस और वानर एक दूसरे को मारने लगे। लंका में हाहाकार मचने लगी तो मेघनाद युद्ध मैदान में पहुंचा। उसने ब्रह्म शक्ति का प्रयोग कर लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया। राम की सेना में शोक छा गया। सुमेध वैद्य की सलाह पर हनुमान संजीवनी बूटी लाते हैं, जिससे लक्ष्मण मूर्छा से बाहर आ जाते हैं। श्री राम की सेना में जय जयकार के साथ उत्साह फैल जाता है। लक्ष्मण, राम और हनुमान गले मिलते हैं और यहीं आरती के बाद लीला को विश्राम दिया जाता है। 23वें दिन शनिवार को कुंभकर्ण व मेघनाद युद्ध और दोनों के वध की लीला होगी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड व पुलिस की टीम ने बनारस से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के एक और मेंबर को गिरफ्तार किया है। लोता क्षेत्र के अलावपुर का रहने वाला अब्दुल अंसारी PFI के साथ ही उसकी पॉलिटिकल विंग सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़ा था। वो दिल्ली और केरल में ट्रेनिंग ले चुका है। इस बार पार्षद का चुनाव लड़ने की तैयारी में था। उसके पास से दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। पुलिस व एजेंसी के अधिकारी गुप्त स्थान पर उससे पूछताछ कर रहे हैं। ATS वाराणसी से पहले ही PFI के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपित से पूछताछ में अहम सुराग हाथ लगे हैं। आधा दर्जन लोग एजेंसियों के निशाने पर हैं। देखिए, कानून अपना काम करेगा। हमारा दायित्व जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने का, मेंटेन करने का है। हम सभी प्रकार के अराजक तत्वों पर सजगता पूर्वक दृष्टि रखे हुए हैं और जो भी कानून तोड़ने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। शेष चीजें अदालत को तय करनी है। जो भी अदालत का आदेश होगा उसका अनुपालन हम सुनिश्चित करेंगे। नवरात्र के दौरान मां दुर्गा पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के गेस्ट प्रोफेसर मिथिलेश गौतम को प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। इसके साथ ही उसके परिसर में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। गौरतलब है कि राजनीति शास्त्र के अतिथि प्रोफेसर और मिथिलेश गौतम इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं। छात्रों ने गुरुवार को उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर मां दुर्गा के प्रति आपत्तिजनक पोस्ट देखी तो विश्वविद्यालय पहुंचकर हंगामा कर दिया। चीफ प्रॉक्टर और कुलपति से वार्ता के बाद छात्र मिथिलेश गौतम पर मुकदमा और गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए। मिथिलेश गौतम ने अपने पोस्ट में महिषासुर को बंग प्रदेश का राजा बताया था। शिवपुर थाना के तरना स्थित पेट्रोल पंप मालिक विवेकानंद सिंह के अपहरण के प्रयास के मामले में पुलिस ने आरोपितों की पहचान करते हुए 3 लोगों को हिरासत में ले लिया है। SP वरुड़ा जोन आरती सिंह ने बताया कि तरना पेट्रोल पंप के मालिक के अपहरण के प्रयास का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसका संज्ञान लेते हुए आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अपर पुलिस आयुक्त संतोष सिंह ने बताया कि घटना गंभीर है। घटनास्थल से प्राप्त CCTV फुटेज के आधार पर हुई तीनों की पहचान हुई है। हिरासत के लिए गए आरोपी के नाम है रामजीत, मुकेश एवं संजय। चौथे आरोपी की तलाश जारी है। शीघ्र ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हिरासत में लिए गए आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री चेक की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थाना शिवपुर की यह घटना कल रात की है। इसमें गाड़ी और अपराधियों की पहचान कर ली गई है। इन पर कड़ी धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर इनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।
जमीन मकान का सपना दिखाकर लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई को लूटने वाले शाइन सिटी के जालसाजों पर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। हालांकि पुलिस शाइन सिटी के अधिकतर जालसाजों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत इनकी करोड़ों की संपत्तियां कुर्क करने का आदेश जारी हो गया है। लखनऊ व प्रयागराज में इनके 107 प्लॉट्स और 2 लग्जरी फ्लैटों की जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। अब उनकी कुर्की की कार्रवाई होने जा रही है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में संपत्तियों के कुर्की की ये कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। स्पेशल टीम्स गठित की गई है। ये आदेश डीएम और सीपी लखनऊ सहित डीएम और एसपी प्रयागराज को भी प्रेषित किया जा रहा है। ये संपत्तियां जनपद लखनऊ के 2 तहसील बख्शी का तालाब और मोहनलालगंज में आइडेंटिफाई की गई हैं और इसी तरीके से प्रयागराज जनपद के तहसील 12 में ये संपत्तियां आइडेंटिफाई हुई हैं। सारी की सारी जो है अचल संपत्तियां हैं। लगभग 100 से अधिक प्लॉट्स कुर्क किए जाएंगे और इसके साथ साथ 2 लग्जरी फ्लैट्स जो कि लखनऊ कमिश्नरेट के थाना महानगर और थाना सुशांत गोल्फ सिटी में आइडेंटिफाई हुई हैं, उनकी भी कुर्की की कार्रवाई ये स्पेशल टीम्स के द्वारा की जाएगी। नवरात्र के 5वें दिन शुक्रवार को आदिशक्ति के स्कंद माता स्वरूप के दर्शन पूजन का विधान है। शुक्रवार की भोर से ही माता के दर्शन के लिए जैतपुरा मंदिर में भक्तों की कतार लग गई है। भक्तों ने विधि विधान के साथ मां का दर्शन कर विद्या व बुद्धि का आशीर्वाद मांगा है। मान्यता है कि कार्तिक के जन्म के साथ ही माता का नाम स्कंद माता पड़ा। उन्हें पीली वस्तुएं व कमल का फूल बेहद प्रिय है। नवरात्र में 9 दिनों तक माता के अलग अलग स्वरूप की आराधना की जाती है। 5वां दिन स्कंद माता को समर्पित होता है, इसलिए स्कंद माता मंदिर में भोर से ही श्रद्धालुओं की लाइन लग गई। लोगों ने विधि विधान से माता की आराधना की, उनसे घर परिवार व समाज के सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान सुरक्षा को लेकर भी प्रशासन अलर्ट रहा। पूर्णिया से आए आज कहाँ पे दर्शन हो रहा है? आज यहीं बागेश्वरी देवी का है, जैतपुरा में। 5वां दिन है, माँ स्कंद माता हैं, उनका दर्शन आज ही होता है। क्या मान्यता है उनकी? मान्यता है कि ये इनके गोद में बच्चे हैं, लड़के हैं, लोग दर्शन करती हैं, सौभाग्यती रहती है, पुत्रवती होती हैं, यानी माँ सब कुछ से भर देती हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताजा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।